Assalamu alaikum students, how are you all? Dear students, today we will discuss question number 1-2 of exercise 1E. So let's start. Open page number 17 of this book. There is exercise 1E. Question number 1 is, which of the following are well defined sets? कहते हैं बताएं इनमें से कौन से जो हैं वो well defined sets हैं. ठीक है, तो बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं. जैसे उसने एक सॉल्व करके बताया हुआ है, एक और टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कब से क्रिकेट टीम उसकी बनी हुई है, तो हम लोग इजीली जो बता सकते हैं ना कि ये इतने इसके जो है वो कैप्टन्स हैं. ठीक है, तो ये सेट है. अब बी पार्ट में कह रहा है, सॉरी हमारे पास जो ए है, बी सेट है, आल डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन द मैथमेटिक्स बुक्स में मुश्किल प्रॉब्लम्स. तो आप इजीली हम लोग इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ को वो मुश्किल प्रॉब्लम्स आसान लगती हैं, कुछ को मुश्किल लगती हैं, तो ये सेट नहीं है. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नॉट सेट. ठीक है, नेक्स्ट है बी पार्ट में, सी इक्वल टू है ऑल हेल्दी पीपल इन लाहौर. लाहौर में जो हेल्दी पीपल हैं वो भी हमें नहीं पता कि कितने हैं, ऐसे ही है. तो ये भी क्या है, ये भी नॉट सेट है. डी इक्वल टू है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान हमारा बना था 1947 में, तो हम लोग काउंट अभी तक कर सकते हैं कि कितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो ये भी हमारा क्या है, ये सेट है. ठीक है, ई इक्वल टू है ऑल द रिवर्स इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में जो रिवर्स हैं तो वो भी काउंट हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, वो भी सेट है. एफ में है फाइव ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन वन डे क्रिकेट. कहते हैं वन डे क्रिकेट में जो फाइव बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं, तो ये अब बताना मुश्किल है. ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका नॉट सेट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ऑल्सो नेम द सेट्स एज ए बी सी एक्सेट्रा. कहता है कि ये जो सेट्स आपको गिवन किए गए हैं, ठीक है, तो इनको क्या करना है, आपने इनके एलिमेंट्स लिखने हैं और उनको खुद से नाम देना है, ए बी सी डी, जो भी आप दे लो, अपनी मर्जी से देना चाहते हो तो बेशक वो दे लें. ठीक है, जैसे उसने सॉल्व करके बताया है, नेचुरल नंबर्स लेस देन सिक्स, सिक्स से जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5 है. ठीक है, तो उसने उसको ए का नाम दे दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास मंथ डेट प्रोसीड्स मार्च. कहता है वो महीना जो मार्च से पीछे है, तो हमें पता है मार्च से पहले क्या आता है, फेब्रवरी आता है, तो इसको हम लोग ए का नाम दे लें, या कोई भी जो नाम आप देना चाहो आप दे सकते हो. ठीक है, मैं इसको एम का नाम दे रही हूँ. ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, फेब्रवरी, एफ ई बी आर यू ए आर वाई. ठीक है, नेक्स्ट है बी पार्ट, ये ए पार्ट था. बी पार्ट में कह रहा है थ्री बिग सिटीज़ इन पाकिस्तान. पाकिस्तान के तीन जो बड़े जो शहर हैं, ठीक है, तो ये भी हम लोग बता सकते हैं क्या है. ठीक है, तो ये भी लिखेंगे हम लोग कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. नेक्स्ट है सी पार्ट है प्राइमरी कलर्स. तो प्राइमरी कलर्स का तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो प्राइमरी कलर्स हैं वो कौन से हैं. ठीक है, तो कोई भी नाम इसको दे लें. ठीक है, प्राइमरी कलर्स में है रेड, ब्लू और ग्रीन. डी पार्ट में कह रहे हैं लेटर ऑफ द वर्ड मूनसून. कहता है मूनसून ये जो वर्ड है इसके जो लेटर्स हैं बताने हैं. ठीक है, तो ये भी सेट, कोई भी इसको नाम आप लोग दे लें. ठीक है, मैं इसको के का नाम दे रही हूँ. स्मॉल लेटर में एम ओ एन और कॉमा के साथ एस लगाना आपने, ये देखें. ठीक है, आपने कैपिटल लेटर्स में जो है वो इसके एलिमेंट्स को नहीं लिखना होता. ठीक है, एम ओ एन एस. ठीक है, तो ये था आज आपका आज का लेक्चर. ठीक है, अच्छे से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.